मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। टुडे ऑन 9th अप्रैल वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी एसएस द एनवायरनमेंट। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैंने एसएस से ज्योग्राफी के पार्ट का लिया है द एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक। आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए, साथ साथ आप भी रीड करते जाएंगे और अगर आपको कोई डाउट है देन आप अपने गिवन टाइम पे उसे क्लियर कर सकते हैं। टॉपिक लिया मैंने हाइड्रोस्फीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट क्या होती है? एनवायरनमेंट मींस आवर एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। एनवायरनमेंट क्या होती है? जो हमारी एक्सटर्नल सराउंडिंग्स होती है, जो चारों तरफ का एरिया होता है, हम किस तरह के एटमोस्फेयर में रहते हैं, ये सारे इंक्लूड होते हैं आपके एनवायरनमेंट से। इन्हें ही हम वन टर्म में कहते हैं एनवायरनमेंट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अपने डाउट्स आप साथ साथ पेंसिल से नोट भी करते चले जाएंगे। एंड इट हैज मेनली, नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इट हैज मेनली टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड अनदर अबायोटिक। दो ही कंपोनेंट होते हमारे एनवायरनमेंट की, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स आ जाएगा आपकी जितनी भी लिविंग थिंग्स है, दैट आर नोन एज बायोटिक कंपोनेंट, एंड जितनी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है दैट आर नोन एज अबायोटिक कंपोनेंट्स। देन इसके एग्जाम्पल हम सिंपल ले सकते हैं। हमें पता है अर्थ पे हमारे ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स है जो लिविंग थिंग्स में काउंट होते हैं। ये तो हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए बायोटिक के, एंड अबायोटिक हो गया हमारा सनलाइट, एयर, सोइल, वाटर एक्सेट्रा, जितने भी आपके नॉन लिविंग थिंग कैरी करते हैं वो होंगे अबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट है हमारा जो एनवायरनमेंट है ये मेनली फोर पार्ट कैरी करता है अपने साथ। ओवरऑल अर्थ पे इसके जो पार्ट हैं, यहां हमने कंपोनेंट पढ़ा, ये हमारे पार्ट आ जाएंगे, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड फोर्थ हो जाएगा हमारा बायोस्फीयर। ये फोर पार्ट मिलकर बनाते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। लिथोस्फीयर जो आपका हमने पढ़ा हुआ है, अर्थ के मेनली तीन पार्ट होते हैं, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ तीन पार्ट होते हैं, जिसमें ये कैरी करता है क्रस्ट यानी टॉप मोस्ट लेयर को। टॉप मोस्ट अर्थ पे जो हमारा रॉकी पार्ट होता है उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मीन होता है आपका वॉटर, यानी अर्थ का जितना पार्ट आपका वाटर कैरी करता है वो कहलाता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, इट इज अ थिन लेयर ऑफ गैसेस विच मेक्स एन एनवेलप, जो अर्थ को एनवेलप की तरह कवर करता है और मिक्सअप होता है ये गैसेस का, इसे ही कहते हैं हम एटमॉस्फेयर। एंड बायोस्फेयर में आपके ये सारे इंक्लूड होते हैं, आपके लिथोस्फेयर से लेकर एटमॉस्फेयर तक सारे आ जाएंगे, यानी इनमें जितने भी बायोटिक प्लस अबायोटिक होंगे इनकी इंटरकनेक्टिंग जो लिंक होती है वो सारी सो हो जाती है हमारी यहाँ पे बायोस्फेयर में कलेक्टिवली। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर में कुछ टर्म्स न्यू ऐड हुए हैं वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगेन मैं यही कहूंगी साथ साथ पढ़ते जाना, पेंसिल ले लीजिएगा हाथों में, अगर कोई डाउट हो किसी वर्ड में देन वो आप क्लियर कर लेंगे। बायोस्फीयर में आपके थ्री टर्म्स आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। इनका मेन रोल होता है हमारे बायोस्फीयर में। प्रोड्यूसर मींस जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं,
एनवायरमेंट। हमें तो ये पता है प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सारा हमें किसने प्रोवाइड किया है? नेचर ने। ऑब्वियसली बात है, इनको हमने बनाया नहीं है, हम इनको मॉडिफाई करते हैं। तो जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है दैट इज नोन एज नेचुरल, बट मैन ने जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, सपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, स्कूल या जिसको भी हमने मॉडिफाई किया है, वो सारे आ जाते हैं हमारे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। ये आपके कंप्लीट चैप्टर की समरी है, आप इसको रीड करेंगे, अगर आपको फिर भी लगता है कोई वर्ड है, कोई टर्म है जो बिल्कुल न्यू है आपके लिए, जिसे आप नहीं समझ पा रहे, देन आप अपने गिवन टाइम पे मुझे कॉल मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये आपका क्लास वर्क है, मैं अभी आपको होमवर्क भी शेयर करूंगी, नीट एंड क्लीन प्रॉपर वे में आपको उस होमवर्क को करना है। एंड SSC 3 रजिस्टर बनेंगे आपके, ज्योग्राफी अलग बनेगी, हिस्ट्री अलग बनेगी, सिविक्स अलग बनेगी, नोटबुक एक्सेप्टेबल नहीं है, ये क्लियर है। तो प्लीज आप ये सारा वर्क ज्योग्राफी के रजिस्टर में करेंगे जो अभी मैं आपको होमवर्क शेयर करूंगी। वीडियो केयरफुली देखिए और अपने डाउट्स के लिए अपने गिवन टाइम पे कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।